Hi, good morning. So this is the day 14 of my naturopathy experience. और अभी जा रहा हूँ सुबह सुबह योगा करने के लिए मॉर्निंग 5:30 को. सो दिस इज़ हाउ आउटसाइड इज़ लुकिंग. जाता है योगा करने के लिए. आज मेरा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का 14 दिन कंप्लीट हुआ है यार, फाइनली. सो अगर मन करता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर मन नहीं करता है तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे. टुडे मॉर्निंग आई वेंट टू योगा. योगा से आने के बाद मेरा एनर्जी सुबह सुबह बड़ी डाउन था, तो मैं सो गया था 1.5 घंटा के लिए. 2 दिन से वही चल रहा है. अभी बीपी माप के गया, लो बीपी निकल के आया है. तो लाइक आई स्लेप्ट फाइनली. अभी ब्रेकफास्ट का घंटी लगाया, ब्रेकफास्ट ले के आते हैं, देखते हैं आज क्या ब्रेकफास्ट में मिलता है. उसके बाद ट्रीटमेंट सेक्शन पे जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे एंड देन आई जस्ट सी दैट कि कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे. आज ब्रेकफास्ट आ गया है तो देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट में क्या मिला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज ब्रेकफास्ट. यहाँ पे बनाना है, पपैया है, स्प्राउट्स है, कुछ ककड़ी है, गाजर है और खीरा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज ब्रेकफास्ट. ये खाना खाते खाते मेरे को 14 दिन हो गया है, नो कुक फूड नथिंग. बहुत सही एक्सपीरियंस रहा. जा रहे योगा क्लास में. योगा क्लास का मतलब है कि जो स्पेसिफिक योगा होता है पैर के लिए और बैक पेन के लिए, तो उसके लिए जा रहे हैं. सो इट्स टाइम फॉर द योगा क्लास. और आज क्या ट्रीटमेंट होता है देखते हैं सुबह. अभी जस्ट ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ एंड आई एम गोइंग टू द मड थेरेपी सेक्शन, जहाँ पे पैरों में कीचड़ लगाया जाता है. काफ़ी ज़्यादा धूप है इधर बाहर और एक बोतल पानी साथ पे एक टावल लेके रखे. ऐसे चीट पे मेरे को लिखा गया है कि मेरे को क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना है. तो अभी जा रहे हैं मड थेरेपी के लिए, लेकिन जो ट्रीटमेंट देने वाला लड़का है वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो आई हैव टू वेट फॉर हिम. मड थेरेपी. सो हियर इज़ वन अंकल, ही इज़ गेटिंग हिज मड ट्रीटमेंट राइट नाउ. आई कैन शो इट टू पीपल. लाइक देखिए इनका मड ट्रीटमेंट चल रहा है. हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द ट्रीटमेंट? एक्सेलेंट. बिकॉज नो कास्ट. Good. In private hospital, the 500 rupees charge. Per day, per treatment. In government hospital, no cost, free. Super. यहाँ पे थोड़ा देर के बाद मेरे पैरों पे भी कीचड़ लगाया जाएगा, तो वही लगा लेते हैं. लगाने के बाद 20 मिनट वेट करना, फिर आज का ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं है. आज का ट्रीटमेंट और एक ट्रीटमेंट बचा हुआ है, टेंस इन लोअर बैक. मतलब इलेक्ट्रिक शॉट टाइप कुछ देता है, पता नहीं वो क्या है, टेंस लोअर बैक पे. वो लोअर बैक पेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. फिर आज का ट्रीटमेंट ख़त्म होएगा. This is a tense treatment, जिसके बारे में मैं पिछले 6-7 दिन से बोल रहा हूँ कि हर एक दिन इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. अभी मड एप्लीकेशन से पहले मेरा टेंस वाला जो ट्रीटमेंट था वो ओवर हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू द मड एप्लीकेशन सेक्शन. एक साथ 2-3 लोग आएंगे तो सबको एक साथ मड लगाया जाएगा.
Press the red button to stop recording. Red button. This sir? Red button, yes. Yeah, red button. Press. अभी के लिए मेरा mud application खत्म हो गया और अभी नहा लिया हूँ mud application लेने के बाद. आज का सुबह का treatment इधर ही खत्म होता है. मतलब mud application लेना और टेंस और योगा. अभी इसके बाद आज सुबह तो जूस नहीं पिया लगता है. अभी भी जूस नहीं मिलेगा और दोपहर के टाइम पे भी खाना खाते हैं फिर शाम को दूसरा ट्रीटमेंट लेना है. अभी मड थेरेपी लेके अभी बिस्तर पे सोया हुआ था और सडनली द बेल रिंग्स फॉर द लंच. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू लंच पे क्या मिला है. यहाँ पे पोहा है और स्प्राउट्स है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लंच. इसको खाते हैं. आज मेरा 14 दिन का नेचुरोपैथी वाला लाइफ का लंच खा रहे हैं. अभी दोपहर के बाद मेरा दूसरा जो ट्रीटमेंट के लिए घंटी था वो बज चुका है एंड आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट. आज का दिन का इस पर योगा एंड स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट होता है वही होगा. देखते हैं आज क्या ट्रीटमेंट होता है. मेरे को तो लगता है वही लेग पैक एंड एब्डोमेन पैक जो होता था सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा. लेट्स होप दैट कि कुछ नया ट्रीटमेंट दे दे, लेकिन लग तो रहा है कि सेम ही ट्रीटमेंट होगा. जो ट्रीटमेंट था वो ख़त्म हो गया और आज मेरे को लेग पैक एंड मड पैक इन द एब्डोमेन और आई के ऊपर ये था आज का ट्रीटमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू द रूम. अभी आधा घंटा में योगा शुरू होने वाला है. एक्चुअली नेचुरोपैथी द ट्रीटमेंट इज़ गुड बट एक्स्ट्रा फूड वी नीड. सो फॉर दैट वी आर जस्ट आउट. कैन यू अपलोड It will take time, like day by day I will upload. Day one, day two. लोग आए थे उनको छोड़ दिया and I am going to the supermarket once again for getting some food. देखते हैं हमें क्या food. Full of traffic. Now it's very hard to cross the road. मेरे को रोड के उल्टा साइड पे वो दूर पे जो सुपरमार्केट है वहाँ पे जाना पड़ेगा. अभी आ गया सिग्नल हो गया. नहीं अभी भी नहीं हुआ यार. बस से आ गए हैं इन द सुपर मार्केट और आई वॉन्ट टू हैव सम. ये अंकल के साथ मेरा पहचान सा हो गया है. हेलो. पैकेट पोहा लिया और बहुत दिन से मुंह सूखा सूखा सा था. वन पैकेट काजू एंड वन पैकेट किशमिश. तो ये लेके अभी जा रहे हैं. स्मॉल पैकेट दिस.
How much? 40. And that one? 100. Okay. What? 150. Okay. टोटल बिल हुआ 150 रुपीज़। लेट मी पे इट। रूम पे आज मेरे को डिनर मिला है। यहाँ पे केला है, तरबूज है, खीरा है, बीटरूट है और कद्दू है। तो ये रॉ फूड आज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फूड जर्नी जो आज मैं खा रहा हूँ। देखता हूँ आज शाम तक रुक के क्या एक्सपीरियंस होता है। मेरा 14 दिन तो कम्प्लीट हो गया है। या तो कल परसों या फिर कल परसों भी नहीं होता है तो नेक्स्ट 6 डेज कंटिन्यू करेंगे। होप सो एक अच्छा सा फीडबैक के लिए वेट कर रहे हैं खुद के शरीर से भी और अंदर से भी कि दिल क्या कहता है कि मेरे को रुकना है या नहीं रुकना है।